बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ कलाकंद बनाने की इंस्टेंट रेसिपी शेयर करूंगी। इस कलाकंद को हम ड्राइड मिल्क के साथ बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई इसको बना सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है किसी हलवाई से कम नहीं। तो चलिए आइए जल्दी से इंस्टेंट 10 मिनट में बनने वाली कलाकंद की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। कलाकंद बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ये हमें चाहिए 2 कप। मेजरिंग बस एक ही रखनी है, चाहे आप कप की ले लें चाहे आप प्याले की ले लें। मेजर करते हुए सेम कप के साथ मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ, नॉर्मल टैप वाटर है ये। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेश लेमन लिया है, इसको हमने निचोड़ कर पहले ही इसका जूस बनाकर रेडी करके रख लेना। अब हमने ये कलाकंद वाला मिक्सचर पकाना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर और इसको हमने पकाना है। अभी ये देखने में थोड़ा सा थिक लग रहा है, जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा ना लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमें लगता भी है ना, एक दो लम्ब्स हैं वो गर्म होते ही खुद ही डिसअपियर हो जाते हैं। देखें स्मूथ खुद ही हो जाता है, ये नॉन स्टॉप हमने चलाते जाना है। बहुत जल्द ये कलाकंद बन जाती है, ये इंस्टेंट वे ऑफ मेकिंग कलाकंद है। इससे ज़्यादा हम जल्दी कोई भी मिठाई बना नहीं सकते। खाने में इसका वही टेस्ट आपको मिलेगा जो हम हलवाई की शॉप से लेकर आते हैं। यकीन माने हलवाई लोग भी फ्रेश दूध के साथ नहीं बनाते, वो भी इसी तरह बनाते हैं। अब ये देखें बिल्कुल मिल्क की फॉर्म में आ गया है, इसको बॉयल आना भी स्टार्ट हो गया है। बस हमने इसको पकाते जाना है। ख्याल रहे कि हमने मुसलसल इसको चलाते जाना है, क्योंकि हम ड्राई मिल्क के साथ बना रहे हैं ना कलाकंद। हमने ये ख्याल रखना है कि साइडों से भी इसको ऐसे हटाते हुए चलाते हुए क्लीन करते हुए हमने इसको ना मुसलसल पकाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्क थोड़ा सा थिक होना भी स्टार्ट हो गया है। मिनटों में ही ये दूध ना थिक होना स्टार्ट हो जाता है, टाइम नहीं इसको ज़्यादा लगता, तकरीबन 2-3 मिनट ही लगते हैं। अच्छे से पकाना है ताकि कच्चा पान ना ड्राई मिल्क का रहे इसके अंदर। अब हमने ऐड कर लेना है 1/2 कप शुगर। ख्याल रहे कि कलाकंद के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होती, इसके अंदर नॉर्मल बर्फ़ी से काफ़ी हद तक कम शुगर होती है। अगर आपको फिर भी ज़रा ज़्यादा पसंद है तो 1/2 चम्मच आप ज़्यादा डाल सकते। मिल्क के अंदर भी स्वीटनेस होती है काफ़ी ज़्यादा ना। पहले ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया था, शुगर को डालते ही ये ना लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ गया, फिर से ये थिक होना स्टार्ट हो गया। मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये जो हमने लेमन जूस निकाल कर रखा था ना, इसमें से पहले हमने 1 टीस्पून डाल लेना। मिक्स कर लेंगे, 1 टीस्पून हम और डाल लेंगे। फ्लेम मेरा लो से मीडियम पर ही है, मैंने ज़रा भी फ्लेम को छेड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं हमने इसको पकाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध के अंदर हल्के हल्के ये लंप से बनने स्टार्ट हो गए हैं। देखें अगर आपको लगे ना कि दूध अभी तक फटना स्टार्ट नहीं हुआ जैसे, तो फिर आप 1 टीस्पून और भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना हमने दूध लिया उसके लिए बस सिर्फ इतना ही अगर आप लेमन जूस डालेंगे ना तो ये राइट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। कितना अच्छा दूध हमारा जो है ना वो लंप से बन गए हैं। लो से मीडियम पर था, अब मैंने लो पर कर लिए। ये मेरे पास इलायची पाउडर है, थोड़ा
थोड़ा सा मैं ऐसे एक पिंच ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। और ये मेरे पास केवरा वाटर है, इसके भी मैं चंद ड्रॉप डाल दूँगी। इसको डालने से कलाकंद के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। बस एक दो जो है ना ड्रॉप्स ही हमने डालने हैं। बस इसी तरह हमने इसको ड्राई कर लेना। हमने बिल्कुल भी घी नहीं इसके अंदर ऐड किया। ड्राई मिल्क के अंदर भी फैट होता है ना, क्योंकि हमने स्किम्ड नहीं लिया। जो कॉफ़ी वाइटनर आता है या टी वाइटनर आता है ना, वो नहीं हमने लेना। ये जो हम मिठाइयों में यूज़ करते हैं ये वाला लेना है हमने। ये बिल्कुल हम लास्ट मिनट ही इसको पका रहे हैं। कितनी ये दानेदार है, खिली खिली सी है। बिल्कुल भी हमने इसके अंदर घी नहीं डाला। आप चाहें तो आप एक टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल इस तरह की जब आपको लगे ना ड्राई ड्राई सी कंसिस्टेंसी आ गई है, बहुत ही ये जूसी सी सॉफ्ट सी हो गई है, तो फिर हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने कर लेना है ऑफ। कलाकंद को जमाने के लिए, सेट करने के लिए हमें डिश को भी पहले से ही तैयार कर लेना है। कोई भी आपने डीप सी ज़रा डिश ले लेनी है। आप चाहें तो केक वाला टिन भी ले सकते हैं। ग्रीस कर लिया मैंने इसको, ऑयल लगा लें या घी लगा लें। और इसके अंदर हमने इस तरह बेकिंग पेपर को भी लगा लेना है, ताकि जब हम कलाकंद को निकालें तो हमें निकालने के लिए आसानी हो। बेकिंग पेपर को भी हमने ग्रीस कर लेना है। हम इसको निकाल लेंगे। साइड मेरी डिश थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं एक साइड पर ही इसको निकालूंगी। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए, मुझे इससे छोटी डिश मिल नहीं रही। स्मूथ कर लेंगे, एक जैसा कर लेंगे। थिकनेस आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। वैसे कलाकंद की जो थिकनेस होती है ना, कलाकंद के पीस की, वो नॉर्मल बर्फ़ी से थोड़ी सी हाइट में ऊंची होती है। थोड़े से मेरे पास पिस्ताशूज हैं, इनको मैंने काट लिया बारीक सा। कलाकंद को हम इनके साथ गार्निश कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी पर है, आप चाहें तो आप बादाम के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। कर ले, हल्का सा ऊपर से टैप कर लेंगे स्पून के साथ, ताकि जो पीसते हैं ना वो अच्छे से स्टिक हो जाएं। कलाकंद को ठंडी कर लेना। जब ये ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तो फिर मैं आपको इसको काट कर और डिश आउट करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए मैंने कलाकंद को सेट होने के लिए रख दिया था। अब हमने क्या करना है, इसको निकाल लूँगी मैं इस तरह। देखें ये कितने अच्छे से सेट हो गई है। ईजीली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम काट सकते हैं। मैंने ज़रा भी इसको अभी फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, तो फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी डेलिकेट सी बनी है माशाल्लाह। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। मैं आपको एक पीस को लेकर तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि देखें इसका कितना अच्छा परफेक्ट रिज़ल्ट बना है। माशाल्लाह यहाँ पर देखें, बिल्कुल हलवाई जैसी बनी है, खोए से भी अच्छी बनी है। देखें, आपने ज़रूर मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। देखें, बिल्कुल भी मैंने फ्रेश दूध की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखें, मैंने एक और भी अपनी कलाकंद की रेसिपी चैनल पर डाली हुई है, अगर आपने वो भी देखनी है उसका भी मैं लिंक आपके लिए छोड़ दूँगी। ज़रूर एक दफ़ा आप उसको भी देखिएगा। बहुत ही देखें इसका रिज़ल्ट आपके सामने है, कितना अच्छा है माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को।
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।